वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में लक्ष्मी अब यहाँ पर बचते बचाते अपने आप को बचाते हुए पहुंच चुकी है एक ऐसी जगह जहाँ पर बलविंदर ने उसे घेर लिया है। बलविंदर अब यहाँ पर हमला करने वाला है लक्ष्मी के ऊपर। बलविंदर उसे पूरी तरह से पकड़कर किडनैप करके ले ही जा रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से ऋषि लक्ष्मी को बचाने के लिए सामने आ जाएगा। लक्ष्मी और ऋषि के बीच में फिर से एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसे देखकर बलविंदर जलने वाला है। बलविंदर की तरफ से सबसे बड़ा वार किया जाएगा। आने वाले एपिसोड में लक्ष्मी की तरफ से कही गई कुछ बातें अब यहाँ पर मन में बैठने वाली हैं, वो भी एक बार फिर से नीलम के। लेकिन आखिर में कौन है उसका जुड़वा बेटा, आखिर में वो गया कहाँ, क्या उसका कोई पता लगा या फिर नहीं, क्या ये सारी बातें उठते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, एक एक करके चलिए सारी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको छोटी छोटी अपडेट ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लक्ष्मी अब यहां पर भाग रही है। बलविंदर से छुपने के लिए हर जगह छुपते हुए नजर आ रही है, लेकिन कहानी सबसे ज्यादा बड़ा ट्विस्ट तो तब लेगी जब यहां पर बलविंदर पूरी तरह से अब अपने आप को इतना ज्यादा सही मानेगा कि अब लक्ष्मी को पालेगा, लक्ष्मी को किडनैप करेगा। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने हीरो की होगी एंट्री। हीरो कोई और नहीं बल्कि अपना ऋषि है। ऋषि आएगा, लक्ष्मी को बचाएगा, बलविंदर की पिटाई करेगा और उसके साथ साथ आयुष भी आएगा। अब आयुष मिलकर यहाँ पर ऋषि के साथ में बलविंदर की पिटाई तो करने वाला है, लेकिन खुद भी पिटने वाले हैं वो सब, क्योंकि यहाँ पर गुंडे जो आएंगे वो पूरी तरह से सिर्फ बलविंदर का साथ नहीं बल्कि लक्ष्मी के हाथों से वो यहाँ पर ब्रेसलेट भी चुराने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से पुलिस से बचते बचाते बलविंदर भागने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऋषि और लक्ष्मी के बीच में एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसे दूर से ही देखकर मलिष्का काफी ज्यादा जलने वाली है। और यहाँ पर लक्ष्मी को शक हो चुका था कि आखिर में मलिष्का की तरफ से कोई प्लानिंग की गई है, जो कि यहाँ पर खुलासा बहुत जल्दी होगा। तो कितने ज्यादा एक्साइटेड है,